नमस्कार, कैसे आप लोग। पिछली क्लास में हम मूल अधिकार के पहले पार्ट को देखे थे और जिसमें हमने बताया था कि कितने प्रकार की मूल अधिकार की बात की गई है एवं किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक क्या प्रोविजन है, ये बातें हमने बताई थी एवं मूल अधिकार के जो विशेष प्रावधान है वो मैंने बताया था। इवन हमने ये भी बात करी थी कि संवैधानिक उपचारों का जो उपबंध किया गया अनुच्छेद 32 के तहत वो कहाँ से लागू होगा या फिर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आम आदमी कहाँ पे जा सकता है या फिर उसको संरक्षण कौन देता है या फिर मूल अधिकारों को संरक्षण कौन देता है, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में करी थी। आज हम इन बातों पे बात करेंगे, जैसे कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं या फिर कौन से ऐसे प्रोविजन ऐसे अधिकार हैं या फिर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है, तो इनके बारे में आज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो इसमें जो अनुच्छेद आपका 15 कहता है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करता है, विभेद करने से मना करता है, यानी इसके आधार पर विभेद किसी भी व्यक्ति से नहीं किया जाएगा। ऐसा अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 15 केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों पर लागू नहीं होता, ठीक है। अगला देखते हैं, लोक नियोजनों के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजनों की जो बात करी गई है वो केवल और केवल भारतीयों के लिए ही मान्य होगा, यानी कि लोक नियोजन में विदेशी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये केवल और केवल भारतीयों पे लागू होता है, इसमें प्रयोजन में केवल और केवल भारतीय पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें विदेशी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वाध, विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें कहीं ना कहीं विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई है, संघ निर्वाध विचरण यानी बिना किसी बाधा के घूमने की बात करी गई है एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात करी गई है। ये केवल और केवल ये जो प्रोविजन है अनुच्छेद 19 ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, इसमें भी विदेशी कोई संघ नहीं बना सकते या फिर उनकी विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है जितनी स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भारतीयों को स्पेशल प्रोविजन देता है जो केवल और केवल भारतीयों पर लागू होता है, ये विदेशियों पर लागू नहीं होता। चलिए तो ये सारी चीजें भी अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 भी आपके भारतीयों के लिए ही यह मान्य है, ये केवल भारतीयों पर लागू होता है, विदेशी इसको फॉलो नहीं कर सकते, विदेशियों पर यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। आगे देखते हैं अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो छूट है, जो अधिकार है वो केवल और केवल भारतीयों को लागू है, यद्यपि विदेशी जो है उन पे ये चीज लागू नहीं होता। यानी अल्पसंख्यकों की शिक्षा जो है या फिर उनकी जो संस्कृति है वैसी केवल स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, विदेशी अल्पसंख्यकों या फिर विदेशी नागरिकों को प्राप्त ये नहीं है। तो ये आपकी 29 भी हो गया, यानी 15, 16, 19 और 29 और फिर आपका 30। 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपने धर्म प्रचार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। यानी कि जो भारतीय अल्पसंख्यक हैं, देखिए अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिनकी संख्या भारत में कम होती है, यानी जिस रिलीजन की संख्या बहुत कम होगी या मात्रात्मक रूप में होगी, वैसे धर्म को कहने के हम अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं। जबकि जिस धर्म के लोग, जिस धर्म में रहने वाले लोग, जिस धर्म को मानने वाले लोग, जब संख्या उनकी अधिक हो जाती है तो उनको बहुसंख्यक का नाम देते हैं। यानी माइनॉरिटी वो है जिनकी संख्या बहुत कम है, या तो स्वतंत्रता के बाद आके यहाँ पे नागरिकता ले लिए हैं या फिर स्वतंत्रता कुछ समय पहले लाके आए हुए हैं यहाँ पे, तो उन चीजों को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का दर्जा देते हैं। और एवं जिनकी संख्या बहुत अधिक है, जैसे हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है तो फिर हम इसको मेजोरिटी कहते हैं, जबकि मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है, ईसाइयों, जैन की संख्या बहुत कम है तो हम इनको माइनॉरिटी के नाम से पुकारते हैं। तो ये माइनॉरिटी जो है ये कहीं कि अपनी धर्म प्रचार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन ये केवल और केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, विदेशी अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है,
प्लीज लाइक करिए, प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई दिक्कत है या फिर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बहुत जरूर लिखिए। तो ये आपके ये हो गए केवल जो भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है। आगे हम देखते हैं जो विदेशी और भारतीय नागरिकों दोनों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14, यह कहता है विधि के समक्ष जो समानता की बात करी गई है या विधि के जो समान संरक्षण की बात करी गई है ये भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों दोनों पे समान रूप से लागू होता है। देखिए विधि के समक्ष समता यानी कि किसी के साथ जन्म लिंग धर्म नस्ल जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विधि के समक्ष मतलब असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी वो विदेशी हो या फिर भारतीय हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का हो, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, लेकिन उसको विधि के समक्ष या विधि के सामने या विधि के अकॉर्डिंग उसके साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि जो अधिकार नागरिक भारतीय नागरिकों के है या फिर जो अधिकार कुछ लोगों के है वही अधिकार बाकी लोगों को भी है। यानी कि विधि के समक्ष सबको समानता की बात यहाँ पे करी गई है। विदेशी भारतीय दोनों पे समान रूप से ये लागू होता है। ठीक है, विदेशी चाहे जिस भी जाति धर्म लिंग वर्ष स्थान के हो या फिर भारतीय जिस जाति धर्म लिंग स्थान के हो, सभी बातें दोनों पे लागू होती हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20, जो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिए गए हैं ये भी भारतीयों एवं विदेशियों दोनों पे लागू होता है। यानी कि भारतीय अपराधियों से भी उनसे अगर वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से नहीं जुड़े हुए हैं, आतंकवादी एक्ट उन पर नहीं लगाए गए हैं, तो उनको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए भारत सरकार या फिर कानून व्यवस्था उनको मजबूर नहीं कर सकती, वो भारतीय हो या विदेशी हो। तो ये दोनों पे लागू होता है, भारतीयों पे भी लागू होता है, विदेशियों पे। यानी दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये हो गया आपका 20 हो गया, यानी कि 14 हो गया, 14 भी विदेशी भारतीयों के लिए है एवं 20 भी विदेशी भारतीयों के लिए। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। यहाँ पे प्राण एवं जीवन कहीं ना कहीं जीवन निर्वहन की स्वतंत्रता की बात करी गई है, जीवन की बात करी गई है। यानी यहाँ पे भी जीवन भी जीने का अधिकार भारतीय नागरिकों को भी है एवं विदेशी नागरिकों को भी है। इनमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। अगर कुछ प्रोविजन छोड़ दिए जाए, कुछ बातें छोड़ दिए जाए, तो उनके अलावा सभी तरह से इन पे भी समान रूप से लागू होता है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। यानी विदेशी भारतीय दोनों को बराबर रूप से है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। देखिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार विदेशी एवं भारतीय ये भी दोनों लोगों पे लागू होता है। यानी कि अगर विदेशी भी कोई भारत में रह रहा है और प्रारंभिक शिक्षा नहीं प्राप्त किया है तो उसको प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने की पूरी छूट होगी, उसके साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। या फिर कोई भी विदेशी नागरिक भारत में रह रहा है और उसके बच्चे हैं और एक टीनेजर एज में आप बच्चे हैं, किड्स हैं, तो उनको भी प्रारंभिक शिक्षा अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा लेने का अधिकार होगा, उनके साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद का जो आधार है जन्म लिंग स्थान या फिर नस्ल जाति या फिर जन्म स्थान, तो इनके आधार पे उनके बच्चों के साथ या फिर उनके साथ भी प्रारंभिक शिक्षा लेने देने में कोई भी विभेद नहीं करा जाएगा। यानी विदेशी और नागरिक दोनों, भारतीय नागरिक दोनों को ये समान रूप से प्राप्त है। आगे देखते हैं कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी के संरक्षण, नजरबंदी से संरक्षण अनुच्छेद 22 कहता है। यानी कि कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे भारतीय एवं विदेशी दोनों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता, या फिर कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें अपराध सिद्ध होने के बाद भी नजरबंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भारतीय हो या विदेशी ये भी दोनों रूप से समान रूप से लागू होता है, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। तो अनुच्छेद 22 भी समान रूप से लागू होता है। आपको एक बार सभी जो अनुच्छेद हैं उनको आपको देखना पड़ेगा एक बार, सभी अनुच्छेद यहाँ से मैंने इसलिए लिख दिया है, इवन हेडलाइन भी कर दिया है। तो अगर इस हेडलाइन को आप देख लेते हैं, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं फंसेंगे। जो पहली क्लास थी, जो मूल अधिकार में हम जब पहली बार चर्चा करे थे, तो उसमें अनुच्छेद 12 से लेके 36-32 तक की बात हमने करी थी। कहीं ना कहीं उसमें सारी बातें हमने बता दी थी कि क्या कहाँ पे क्या प्रोविजन करे गए हैं, क्या बातें कहाँ पे रखी गई हैं। तो वो सारी बातें हमने करे थे, 12 से 35 तक में हमने पूरा बात कर लिया है। इवन 32 तक भी हमने चर्चा कर ली थी कि 32 में क्या प्रोविजन करे हैं। तो एक बार ये आप पूरा देख लीजिएगा ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो अपना फंसे।
और किसी भी चीज को रटना नहीं है आपको, चीजों को बस समझना समझना है। अब जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है केवल धर्म गुण जात लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध, तो आपको एक चीज बात होगी कि पहले समानता कहां से कहां तक है, तो समानता 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता कहां से है, 18 से 22 तक है। तो ऐसे आप पहले अगर आप देख लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद कहां से कहां के बीच रखा गया है, तब यहां पे अगर प्रोविजन आप देखेंगे तो जैसे केवल मूल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, तो अगर आपको अनुच्छेद 15 आ गया तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि ये समता की बात कर रहा है, यानी समता में वो चीजें आएंगी जो विभेद ना हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे राइट्स होंगे जो केवल अगर भारतीयों को होंगे, या फिर कुछ कॉमन राइट्स भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं समानता की बात करते हुए भारतीयों और विदेशियों दोनों पर समान रूप से लागू हो जाएंगे। तो देखिए ये पार्ट आप देख लीजिएगा, कम से कम क्या प्रोविजन कहां से कहां तक, लिबर्टी की बात कहां पे हुई, इक्वलिटी की बात कहां पे कही गई है, ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा, ये जरूर से देख लीजिएगा, तो ये आगे पढ़ने में आपको आसानी होगी और ये याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार, इसको रिपीट करते हुए मैं बता दे रहा हूँ, केवल नागरिकों को प्राप्त क्या है, 15, 16, 29, 19, 29, 30, ये पांच अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी के जितने भी प्रोविजन मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में करे गए हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन है, वो किसी स्पेशली किसी व्यक्ति को किसी नागरिक को नहीं दिया गया है, वो कहीं ना कहीं कॉमन है। और यहाँ पे हमने चर्चा भी करी है जो कहीं ना कहीं डेफिनेट करा है इस बात को कि क्या क्या बातें कॉमन करी गई हैं, तो वो चीज़ हमने भी यहाँ भी लिख दिया है, तो ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और बहुत मतलब बहुत नहीं पढ़ना है, देखिए आपको स्मार्टली पढ़ना है, कम पढ़ना है, उन चीज़ों को पढ़ना है जो डायरेक्टली आपको सक्सेस करे। आपको बहुत बड़ा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है कि आप रोज भी 15 घंटा पढ़ें, 12 घंटा पढ़ें, 13 घंटा पढ़ें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस देखिए, पिछले ईयर से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, 5-6 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस फॉर्मेट को देख लीजिए, या फिर अनसॉल्व लेके आप हल कर लीजिए, लेकिन सिर्फ सिलेबस को टच करिए, 100% सिलेबस टच करिए, लेकिन सिलेबस में जो चीज़ें नहीं है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री थोड़ा सा याद करने होते हैं क्योंकि वहाँ पर डेट्स वगैरह होते हैं तो वो थोड़ा सा याद करने होते हैं, अदरवाइज पॉलिटी में बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको चीज़ों को बहुत ईजिली आप समझ लेते हैं, बहुत आसानी से अगर समझ लेते हैं तो फिर आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा अनुच्छेद होते हैं, जैसा मैंने अभी फंडामेंटल राइट्स में बता दिया कि समानता की बात कहाँ से कहाँ, क्या बात कहाँ पर रखी गई है, ये सारी बातें मैंने बता रखी है पहले क्लास में, तो अगर आप लाइन से देख लेते हैं मात्र 6 अधिकार हैं, उन 6 अधिकारों को एक बार आप देख लेंगे तो अगर क्वेश्चन अगर आता है, अगर राइट्स की बात करता है कहीं ना कहीं, अगर समानता की बात करता है तो आपको समझ आ जाएगा 14 से 18, अगर किसी बात की स्वतंत्रता की बात करें आपको नहीं अनुच्छेद याद है फिर भी आपके ध्यान में ये तो आ जाएगा कि 18 से 22 के बीच में स्वतंत्रता की बात करी गई है, तो वहां पर फिर मुश्किल नहीं होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना है, सिर्फ उन चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सफल बनना है। ठीक है, आगे देखते कुछ मामलों में ही राष्ट्र मंदिर संरक्षण अनुच्छेद 22 जो कर रहा है इसको हमने देख लिया, अनुच्छेद 23 देखते हैं। 23 क्या कर रहा है, बलाश्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रश्न, जो बलाश्रम है यानी बालकों के जो श्रम है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा रहा है, एवं अवैध मानवों की तस्करी को भी अवैध लगा रहा है, यानी कि भारतीय नागरिकों को भी बलाश्रम में नहीं लगाया जा सकता, भारतीय नागरिकों का भी तस्करी नहीं किया जा सकता, वैसे ही विदेशियों को भी बलाश्रम में नहीं लगाया जा सकता, या फिर विदेशी नागरिकों का भी तस्करी भारत में नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं समान रूप से दोनों पे लागू होता है, ये दोनों जो इक्वलिटी है कहीं ना कहीं दोनों पे समान रूप से यहाँ पे पूरी पूरी दोनों लोगों को संरक्षण दिया गया है इन दोनों चीजों से। ठीक है, आगे देखते हैं, कारखानों आदमी बच्चों के नियोजन में प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 कहता है, 24 कहता है कि कारखानों में जो बच्चों यानी 14 से कम एज के जो बच्चे हैं, 14 या फिर उससे कम एज के बच्चे हैं, उनको कारखानों में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता, ऐसा करना कहीं ना कहीं कानूनी अपराध होगा। ठीक है, तो ये बातें भी, क्योंकि हमारा जो
जो शिक्षा का अधिकार है वो भी 6 से 14 के बीच में बात करी जा रही है। तो अगर हम शिक्षा के अधिकार को देखते हुए ये बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इवन हमने फंडामेंटल राइट सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 51 कम में है जो 12 विषय रखे गए हैं उसमें भी हमने 12वें विषय जो लेटेस्ट में 44वां संविधान संशोधन में ये बात हमने जोर दिया था कि सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा। और माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को संस्थान में ले जाएंगे और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दिलाएं। ये बात हमने अपने 51 के 12वें जो पॉइंट्स हैं उसमें हमने ऐड कर रखी है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी 6 से 14 या फिर 14 से कम एज के बच्चों को भी हम कारखानों में काम करने के लिए नहीं लगाए जा सकते। अगर आपके नज़र में कोई ऐसा बच्चा है तो उसको प्लीज संरक्षित कीजिए, उसको सेव कीजिए। ऐसा करना कानूनी अपराध है क्योंकि ऐसा हमारा संविधान कहता है। चलिए आगे देखते हैं। 8, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, यानी कि विदेशियों को भी और भारतीयों को भी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म में वृद्धि करने के लिए कहीं ना कहीं इसके प्रयोजन करने की बात करी गई है, कहीं ना कहीं प्रयास करने की बात करी गई है। यानी भारतीय भी अपने धर्म का धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयोजन कर सकते हैं, विदेशी भी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयोजन कर सकते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है तो भारत में आकर रह सकता है, अपने धर्म के लिए कहने का प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है कि उसके धर्म में वृद्धि हो, और भारतीय भी अपने धर्म में वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता बराबर रूप से दोनों लोगों को दी गई है, ठीक है। तो ये भी फंडामेंटल राइट जो है वो भी कहने की कॉमन ही है। आगे देखते हैं, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय भी अपने धर्म के हिसाब से कोई भी संस्थान खोल सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं, वैसे ही विदेशी नागरिक भी भारत में आकर कोई भी संस्थान खोल सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रहे, कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं किया, कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जिससे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो भारत में करी गई है, लेकिन किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए अवैध तरीका को नहीं अपनाया जा सकता। यानी लीगल तरीका से रह के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर संस्थान खोलने और उसका संचालन के लिए कहने के भारतीय विदेशी दोनों को छूट दी गई है, ठीक। आगे देखते हैं, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, यानी कि कोई भी धार्मिक संगठन है और अगर वो प्रोत्साहित करने के लिए अपनी फंड को इकट्ठा करता है तो उस पर कर की छूट भारत सरकार द्वारा दी जा सकती है, वो भारतीय हो या फिर विदेशी हो। जैसा कि आपको पता है राम रहीम का जो मुद्दा था या फिर बहुत सारे बाबा आसाराम का जो मुद्दा था, ये जितने भी बाबा लोग भारत में पाए जाते हैं, ये जो विचलित करते हैं यहाँ पे धरती पर, ये कहने के इनके जितने भी फंड्स वगैरह आते हैं उनके लिए इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। यानी ये अपने संपत्ति पर कोई भी टैक्स नहीं देते हैं, ये इनके पास जो भी फंड आते हैं उसके लिए भी टैक्स नहीं देते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है, जो ब्लैक मनी जो आता है वो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीजन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करी जाती है वो भी कहीं ना कहीं इसी के पीछे रीजन है। किसी नेता को बहुत सारे पैसे मिल गए ब्लैक तरीके से, तो वो ले जाएगा किसी बाबा को देगा, बाबा से बोलेगा ये रहा आपका 20 करोड़ रुपया बाबा, आप हमें आप 10 करोड़ दे दीजिए, आप अपने फंड में इसको ट्रस्ट में ले लीजिए, आपका 20 करोड़ का कोई टैक्स नहीं लगेगा, मुझे 10 करोड़ दे दीजिए, मुझे भी नहीं लगेगा। तो ये ब्लैक मनी कहीं ना कहीं लेके जाते हैं बाबा के पास, उनसे व्हाइट मनी लेके चले जाते हैं, और बाबा लोग इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इजीली क्योंकि उनको 10-12 करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ऐसे ही सब अप्लाई होता है, अगर 10 लाख मिला है किसी को तो 8 लाख ले लिया, 10 लाख बाबा लोग दे दिया, बाबा को कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि टैक्स फ्री है, कहने के वो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए, धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें इसमें भी करी गई है, ठीक है। तो धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट की व्यवस्था करी गई है। तो ये भारतीय विदेशी दोनों के लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, जैसे मुस्लिम है तो फतवा जारी करते हैं, वैसे ही जितने भी धर्म हैं वो भारतीय हो या विदेशी, उनको भी किसी भी तरह का आदेश जारी करने का अधिकार है। यानी भारतीयों को भी जैसे भारत में रहते हुए अगर कोई मुस्लिम है अगर फतवा जारी कर सकता है, वैसे ही कोई विदेशी नागरिक भी अपने धर्म से रिलेटेड अगर कोई आदेश है तो उसको जारी कर सकता है। ऐसी स्वतंत्रता भारत में दी गई है, यानी यहाँ भी आदेश जारी करने को लेकर भी विभेद नहीं है। तो एक बार ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे 5 ऐसे मूल अधिकार की बात करी गई है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि 11 ऐसे मौलिक अधिकारों की बात करी गई है जो भारतीय विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त है। तो ये 5 15, 16, 19, 29, 30 ये बात हो गई, और यहाँ पे आपका हो गया 14, 20, 21, 21 क, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28।
ये टोटल 11 हैं, और चूंकि 21 और 21 का एक दो कॉमन हो गया, यानी टोटल 10 अनुच्छेद हैं जो कहीं ना कहीं मूल अधिकार में दोनों लोगों को समान रूप से प्राप्त हैं। यानी ये भारतीयों का भी मूल अधिकार है और विदेशियों का भी मूल अधिकार है, यहाँ पर विभेद नहीं है। ठीक है, तो ये आज की क्लास है, और नेक्स्ट क्लास हम करते हैं आगे, और उसमें देखते हैं TPSP एलिमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट उससे पहले आपसे, प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।